नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहन। देश 2024 की तरफ अब नजरें गड़ाए हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जोर आजमाई शुरू कर चुकी हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं। इन सबका एक ही मकसद है, 2024 में मोदी को किसी तरीके से हटाना है। लेकिन अभी विपक्ष में बड़ा कन्फ्यूजन है और ये तय नहीं हो पा रहा है कि मोदी शाह से टक्कर लेने का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना ही अपने आप में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। ये बाकी विपक्षी दलों को साफ संदेश था कि अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में ही एकजुट होना पड़ेगा। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। खैर, विपक्ष के इस महाभारत के बीच बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, जिससे पार पाना किसी के बस की बात फिलहाल नहीं लग रही है और 2024 का सपना देखने वाले लोग एक बार फिर से सत्ता से दूर ही रहने वाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है। दरअसल 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। जीती हुई सीटों को बरकरार रखने के अलावा उन सीटों पर खास फोकस किया जाएगा जहां पिछले चुनाव में पार्टी दूसरे या तीसरे स्थान पर थे। बड़े केंद्रीय मंत्रियों को 144 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार मिले थे। इसी को बीजेपी का प्लान 144 कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें मिशन 2024 के लिए जी जान से जुटने के लिए कह दिया है। बीजेपी हारी हुई 144 सीटों के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है। इसके अलावा 25 से ज्यादा सीनियर मिनिस्टर्स को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये सभी मंत्री और नेता जमीनी स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और प्लान बनाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह की रणनीति बनाई थी और उन सीटों पर खास फोकस किया था जहाँ पार्टी को 2014 में हार मिली थी। 2019 में इसी तरह की रणनीति का बीजेपी को फायदा भी हुआ था और 2019 में बीजेपी की सीटें 2014 की 282 सीटों से बढ़कर 300 के पार पहुंच गई थी। अब बीजेपी 2024 में भी इसी रणनीति पर चलना शुरू कर चुकी है और अपनी तैयारियां कर रही है। फिलहाल विपक्ष अभी एकजुट नहीं हो सका है। एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात चल रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी मोदी शाह से लड़ना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल सुनिए राहुल गांधी को, उन्होंने और क्या कुछ कहा था। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना
आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस जनता की इस देश की जनता का भविष्य है, ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता, अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा, और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश इसी हिंदुस्तान के अंदर दो तीन दस पंद्रह उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो, जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा दो तीन उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए, उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आपने आप चाहिए आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉलर मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है? यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे।